स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स किससे मैथ से ठीक है यानी कि हम न्योमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हम क्या कर देखते हैं कि हमें मैथ गिवन होगा और हमें उससे मोल्स फाइंड करने होंगे ठीक है अब मोल्स क्या होता है यूनिट होता है यानी कि हम जिस तरह से अगर कहते हैं कि मैं अगर कहूँ कि मेरे पास फाइव पेंसिल्स हैं ठीक है, है ना तो वो फाइव काउंट की जा रही हैं लेकिन अगर मैं कहूँ कि जिस तरह रस्ट मौजूद है या जिस तरह आयरन का लोहे का टुकड़ा मौजूद है तो इसके अंदर कितने आयरन के आइटम्स हैं तो आइटम्स तो मैं काउंट नहीं कर सकती तो इसलिए हम कह देते हैं कि फल इतने ग्राम्स में इतने आयरन मौजूद हैं इतने मोल्स ठीक है यानी कि आइटम्स को हम जो है वो मोलिक्यूल्स को कंपाउंड के डिफरेंट यूनिट्स को हम जो है वो मोल्स में जो है वो काउंट कर लेते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे मोल्स को किसके आयरन के ठीक है यानी कि जिस तरह से हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन आयरन के कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें हमारे पास मैथ दिया हुआ रस्ट का ये एक कंपाउंड है रस्ट यानी जंग जो लग जाता है लोहे को ठीक है वही हमारे पास मौजूद है एफ आयरन का है हमारे पास ये कंपाउंड ठीक है इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंट है Fe2O3 ठीक है आयरन ठीक है ना तो हमें क्या निकालना है कि इसके रस्ट के जो मास दिया हुआ है उसमें से इसके एक कंस्टिट्यूएंट के ग्राम सॉरी मोल्स निकालने ठीक है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मिसिंग है गिवन नहीं है वो हमें निकालने हैं ठीक है थीके? और जो uh, रस्ट का जो मैस है वो हमें गिवन है ठीक है तो सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप होगा स्टेप नंबर वन उसमें हम क्या करेंगे हम सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है ना मैस ऑफ रस्ट ठीक है मैथ ऑफ रस्ट से हम क्या निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे ठीक है हम किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सबसे पहले स्टेप में हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे रस्ट के ठीक है अब रस्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है ठीक है यहाँ पे हम ले आते हैं नंबर ऑफ मोल्स ठीक है moles, और ये किस चीज के इक्वल होता है इसका हम फार्मूला देख लेते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या आ गया मैथ इन ग्राम्स ठीक है मैथ्स हमारे पास ग्राम्स में मौजूद हो उस कंपाउंड का उस सब्सटेंस का उसको हम डिवाइड करते हैं उसी सब्सटेंस के मोलर मैथ से ठीक है अब ऐसा करते हैं सबसे पहले मोलर मैथ निकाल लेते हैं क्योंकि मोलर गिवन होगा तो हम फर्दर कैलेशन करेंगे तो मोलर को मैं यहाँ पर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देती ठीक है और ये रस्ट का है इसलिए में हम छोटा छोटा रस्ट लिख देते हैं ठीक है अब यहाँ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं एफ ई टू ओ थ्री ये इसका केमिकल फॉर्मूला है ठीक है जो यहाँ पर गिवन है हमें प्रोवाइड किया गया है उसने दिया है तो हम देखते हैं कि इससे हम किस तरह निकालेंगे आयरन का सबसे पहले हम देखेंगे कि मोलर क्या होता है सिर्फ आयरन का आयरन का होता है 56, वो लिख दिया हमने ठीक है अब दो आयरन मौजूद है ना आ, हम देख रहे हैं सबस्क्रिप्ट में दिया हुआ है टू तो मल्टीप्लाई कर देंगे फिफ्टी सिक्स को टू से दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है ऑक्सीजन ओ तो ऑक्सीजन का मोलर मैस होता है हमारे पास सिक्सटीन ठीक है ये भी हमें गिवन है ये भी हमें पता होता है ठीक है से हम देख लेते हैं तो ये सिक्सटीन आ गया इसका मोलर मास। उसके बाद हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई कर देंगे इसको विद थ्री में दिया हुआ है इसलिए हम थ्री सबस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है एट द एंड हम क्या करेंगे इन सबको ऐड करेंगे जिस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो सॉरी फिफ्टी को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 102 आ जाता है और अगर 16 को 3 से करें तो 48 आता है इन सबको एड करेंगे तो हमारे पास फाइनली आ जाता है 160 सिक्सटी ग्राम्स पर मोल ये मोलर मैस है, ठीक है? इसको मोलर मैस ही क्यों कहते हैं इसको मोलर मैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो आता है मैस इन मोल्स ठीक कि है कितने वो मौ, एक मोल में प्रेजेंट है यानी कि हम कह रहे हैं कि 160 ग्राम्स जो है वो आयरन अगर हम इसके रस्ट का हम देखें तो इसमें 160 ग्राम्स जो है वो एक मोल के अंदर प्रेजेंट होता है रस्ट ठीक है ना रस्ट के एक मोल में 160 ग्राम्स वजन होता है ठीक है अच्छा इसके बाद अब हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे यहाँ पे यानी कि इधर ठीक है ना यहाँ पे हम ये डाल देंगे ये वाली वैल्यू जो हमारे पास ये जो आई है इसको हम कहा डाल देते हैं इसको हम जो है वो यहाँ पे डालेंगे फॉर्मूला के अंदर ठीक है और मैथ तो हमें गिवन है ये रहा थर्टी ग्राम्स ठीक है ये हमें गिवन है तो हम क्या करते हैं थर्टी यहां से लिखा ये हमने लिखा थर्टी ठीक है अच्छा सात यूनिट्स भी देखते रहते हैं ये ग्राम्स आ गया ठीक है मोलर मैस क्या है 160 ग्राम्स पर मोल यहाँ पर हम 160 ग्राम्स पर मोल लिख देते हैं 160 ग्राम्स पर मोल ठीक है अब हम ये देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी नीचे ये ऑलरेडी हमारे पास डिनोमिनेटर में है, मोल्स ठीक है ना यानी कि डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में जो चीज आती है उसको हम ऊपर ले जाते हैं तो इसको ऊपर ले जाएंगे लेकिन ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएंगे ये कैंसिल हो गए ठीक है इसका जीरो इसके जीरो से कैंसिल डिविजन करेंगे ठीक है फाइनली जो हमारे पास आंसर आता है हम यहाँ पर ऐसे करते हैं कि फाइनल आंसर लिख देते हैं फाइनल आंसर हमारे पास हम कैलकुलेट चले कर लेते हैं यहाँ से ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं थ्री डिवाइडेड बाय सिक्सटीन ठीक है 16, equals आ गया तो हम यहां लिख देते हैं और ये मोल ऊपर चला गया है तो हम इसको जो है वो मोल लिख देंगे ठीक है ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके रस्ट के ठीक है हमने फर्स्ट uh, स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया ठीक है अब देखते हैं स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू में हम देखेंगे कि एक मोल अगर रस्ट हमारे पास मौजूद हो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं कि हम क्या देखने लगे हैं स्टेप नंबर टू करने लगे हैं उसमें हम देखते हैं कि वन मोल रस्ट में ठीक है वन मोल ऑफ रस्ट अगर हमारे पास मौजूद हो तो उसमें कितने आयरन होगा हम देखते हैं यहां से ठीक है यानी कि Fe2O3 ये जो हमारे पास फार्मूला मौजूद है इसके अंदर देखते हैं आयरन Fe, इसके टू मोल्स मौजूद है ना ठीक है न, अगर एक यूनिट मौजूद है तो उसके अंदर दो यूनिट जो है वो आयरन के मिले हुए हैं, ठीक है ना तो हम कहते हैं कि एक मोल अगर रस्ट होगा तो उसके अंदर कितना आयरन मौजूद है उसके अंदर टू मोल्स जो है वो आयरन के मौजूद है ठीक है इसी तरह हम जो है वो ये भी देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल में तो नहीं पूछा गया लेकिन अगर इसमें ऑक्सीजन के पूछे कि ऑक्सीजन के एक लगा हुआ है ठीक है प्रेजेंट हम ये भी लिख देते हैं टू मोल्स ऑफ आयरन प्रेजेंट फिर हम देखते हैं कि हमारा हमने जो 30 ग्राम थर्टी ग्राम आयरन के मोल्स निकाल ना तो 30 ग्राम रस्ट का मोल्स कितने आए थे पॉइंट वन एट सेवन फाइव तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर मेरे पास पॉइंट वन एट सेवन फाइव मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर ठीक है तो मल्टीप्लाई बाय वन का मतलब क्या होता है पॉइंट वन एट सेवन फाइव ठीक है मोल्स मौजूद हो किसके रस्ट के ठीक है तो मेरे पास जो है वो कितने मोल्स होंगे तो पॉइंट वन एट सेवन फाइव को क्या करेंगे यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ टू के साथ ठीक है तो यहां पे कर देते हैं पॉइंट वन एट सेवन फाइव ठीक है यहां लिखेंगे मोल्स ऑफ आयरन प्रेजेंट ठीक है यानी कि हमने क्या किया है पॉइंट वन एट सेवन फाइव को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया ठीक है दोनों साइड पे क्योंकि अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो तो हम क्या करते हैं हम जो है वो एक अगर उसके अंदर कोई ऐड करनी हो कोई वैल्यू कोई उसके अंदर मल्टीप्लाई करनी हो कोई वैल्यू तो हम उस वैल्यू को दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इक्वालिटी का साइन मेंटेन रहे ठीक है इसीलिए हमने क्या किया जो हमारे पास मोल्स आए थे हमने सबसे पहले रस्ट के मोल्स निकाले ठीक है उन मोल्स से हमने आगे क्या किया है उन मोल्स से हम आगे जो है वो आयरन देख रहे हैं कि उसके अंदर कितना मोल आयरन का मौजूद है ठीक है तो ये देखने के लिए हम यूनिट्री मेथड करते हैं इसको हम कहते हैं यूनिट्री मेथड ठीक है इसको हम सही तरह करके लिख देते हैं यूनिटरी मैथड ठीक है और इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमने पहले एक एक करके देखे कि एक मोल रस्ट में इतने मोल्स आयरन के मौजूद हैं और ये हमने निकाला की एफ टू इसके फॉर्मूला से फिर हमने कहा कि हमारे पास थर्टी ग्राम तो इतने मोल्स आए थे रेस्ट के तो उसमें कितने मौजूद हैं आयरन उसमें हमने निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय टू किया है ठीक है फिर जब मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे यहाँ से हम निकाल के हम देखेंगे तो यानी कि मल्टीप्लाई बाय टू करके इसके जो हमारे पास फाइनल जो हमारे पास यहाँ वैल्यू आती है वो आती है पॉइंट थ्री सेवन फाइव मोल्स ठीक है ऑफ आयरन एफ ई मतलब आयरन ठीक है यानी कि आयरन के हमारे पास कितने मोल्स uh, आ गए ये आ गए हमारे पास पॉइंट थ्री सेवन फाइव मोल्स आ गए ठीक है जो कि प्रेजेंट है किसमें में थर्टी ग्राम्स ऑफ आयरन में सॉरी थर्टी ग्राम्स ऑफ रस्ट में क्योंकि हमने किस तरह से निकाला है हमने इस तरह से निकाला कि पहले हमने जो है वो रस्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए फिर उन नंबर ऑफ मोल्स से हमने एक मोल में कितने मौजूद है आयरन फिर uh, जो नंबर ऑफ मोल्स आए उसमें कितने मौजूद हैं आयरन वो निकाल के हमने फाइंड आउट कर लिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन प्रेजेंट इन रस्ट थर्टी ग्राम्स ऑफ रस्ट जो क्या पॉइंट मोल्स